कोरोना महामारी के बीच इस बार लोक आस्था का महापर्व छठ 18 से 21 नवंबर 2020 के बीच मनाया जाना है। छठ को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने तैयारी तो शुरू कर दी थी, लेकिन सरकारी गाइडलाइन नहीं आने की वजह से उनके बीच तर्क वितर्क की स्थिति थी। बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार लोगों से अपील करे कि वो इस बार घाटों पर ना जाकर अपने घरों में ही छठ पर्व मनाए। इसके बावजूद भी यदि श्रद्धालु तालाब या घाटों पर छठ मनाने आते हैं तो सख्ती से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। 3 दिन बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ है, मगर कोरोना काल में लोक आस्था के इस महापर्व पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को घाट पर अर्ध्य के दौरान तालाब में डुबकी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो घाटों पर बैरिकेडिंग इस तरीके से लगाएं कि श्रद्धालु उसमें डुबकी ना लगा सके। गाइडलाइन के मुताबिक छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रसित लोग, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घाट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार लोगों से अपील करें कि वो इस बार घाटों पर ना जाकर अपने घर पर छठ पर्व मनाएं। छठ पर्व को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की प्रमुख बातें, सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करें, छठ घाटों पर भीड़ ना लगाएं। छठ घाट पर लोग अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घाट पर ना जाएं। बुखार से पीड़ित और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग घाट पर नहीं जाएं। भगवान सूर्य की अर्घ्य के दौरान नदी तालाब में डुबकी नहीं लगाएं।